चंद्रपुर में छात्रों ने चक्का जाम करने की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शिक्षा का मौलिक अधिकार पाने के लिए छात्रों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील के आसला गांव के जिला परिषद के स्कूल में कक्षा 1 से 4 क्लास के छात्रों ने शिक्षक की मांग करते हुए गाँव में सड़क पर बैठ कर चक्का जाम आंदोलन छेड़ दिया। दरअसल राज्य के 17 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मुख्य मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारी शामिल हुए हैं, जिसके कारण कामकाज पर बड़ा असर पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को हो रहा है। एन परीक्षा के समय जिला परिषद स्कूल के शिक्षण हड़ताल पर चले गए है। स्कूल को भी अनिश्चितकालीन तक छुट्टी दे दी गई है। ऐसे में छात्रों के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसलिए छात्रों ने शिक्षकों की मांग करते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया और गांव में सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। छात्रों ने सड़क पर ही अपनी क्लास लगाई और पढ़ाई शुरू कर दी। बच्चों का ये आंदोलन देखकर गांव के लोग भी बच्चों का साथ देने पहुंच गए। सड़क पर बैठे छात्रों के सामने पुलिस भी लाचार नजर आई। पुलिस की ओर से बच्चों के सड़क से हटाने के लिए लाख मिन्नतें की, लेकिन बच्चों का कहना था कि जब तक हमें शिक्षक नहीं मिलता हम नहीं हटेंगे। छात्रों के आंदोलन के कारण काफी देर तक यातायात पर असर पड़ा रहा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई। आखिरकार जल्द ही शिक्षक उपलब्ध करने की आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन पीछे लिया। संपावर बसले आहोत कारण आमचे शिक्षक आम्हाला शिकवत नाहीत, म्हणून आम्ही इथे संपावर बसलेलो आहोत। जोपर्यंत शिक्षक शिकवणार नाही तोपर्यंत बसणार आहोत। माझे नाव किशोर मधुकर डुकरे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येथील पालकाचा मी पाल्याचा पालक असून सदर आपल्या आसाळा येथील शाळा 4 ते 5 शिक्षक संपावर गेल्यामुळे बंद आहे। आणि तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना विचारणा केली असता शिक्षकांना शाळा कुठल्याही प्रकारची चालू करू नका असा आदेश दिल्यामुळे आम्ही गावकऱ्यांनी निर्णय घेतला आणि मुलाची शाळा रोडवर भरवली असल्यामुळे आम्हाला पोलीस प्रशासनाचं पण सहकार्य मिळालं आहे मुलांना, तसंच गावकऱ्याचं पण पूर्ण पुरेपूर सहकार्य आहे। एक लगेचच आता BDO साहेब येऊन पुढची आमच्या गावकऱ्यांना सकारात्मक निर्णय घेतील अशी मी अपेक्षा करतो।